हमारे पास खड़े हो गए अरे भैया हमसे तो नहीं हो रहा है तुमसे हो जाएगा का तुम देख लो भैया तुमसे भी ना हो पाएगा ऐसे लोगों को तो पहले ही फुर्सत में लात मार के निकाल लो अपने जीवन में क्योंकि दोस्तों यही लोग हैं जो आपका खून चूस रहे हैं <laughs> तो बक पढ़कर आ गए हमसे भी पढ़े हैं आप हर जगह से पढ़े हैं बट उसके बाद भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरा बक नहीं बन रहा है मैंने सीपी भी निकाल दिया मैंने सी भी निकाल दिया है मैंने सारी चीज कर दी है पावर निकाल दिया मैंने हर चीज कर ली पर उस बोर्ड में मेरा बक नहीं बन रहा है अगर

जिद कैसे हैं आप सभी लोग हाय दोस्तों मेरा नाम है देवेदन अग्रवाल आप देख रहे हैं मेरा चैनल अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार क्योंकि इतना सब कुछ आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं और जो जोशीले कंटेंट के साथ में जोशीला आदमी आपके सामने खड़ा हुआ वैसा ही जोश भरा आपको वैसे ही जोश भरा आपको नॉलेज में आपको वैसे ही जोश भरा नॉलेज में आपको देने वाला हूं और यही जोश आपके जीवन में भर दूंगा क्योंकि दोस्तों सच बताओ ना दिन की शुरुआत करना है ना तो जोश के साथ करो क्योंकि मरे हुए तो मुर्दे होते हैं दोस्तों हम तो जिंदा हैं और हमें अपने आप को जिंदा हमें अपनी जो जवानी है या हमें हमारा जो बुढ़ापा है हमारा कोई भी है बचपन है हमेशा जोश भरा होना चाहिए सामने वाले जब आपके साथ खड़ा रहे तो बोला कि यार ये बंदे में दम है और ये बंदा ये बंदे में दम है अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मैं कितना आगे जा सकता हूं तो ये वाली क्वालिटी आप में होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके और बहुत बढ़िया इस वीडियो को समझने के बारे कमेंट करके दोस्तों आज बहुत सारे टेक्नीशियंस मेरे से बात करते हैं कहते हैं सर हमारे बक नहीं बन रहे हैं हमारा बक वोल्टेज आप बक वोल्टेज तो पढ़ कर आ गए हमसे भी पढ़े हैं आप हर जगह से पढ़े हैं बट उसके बाद भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरा बक नहीं बन रहा है मैंने सी भी निकाल दिया मैंने सी भी निकाल दिया है मैंने सारी चीज़ कर दी है पावर निकाल दिया मैंने हर चीज़ कर ली पर उस बोर्ड में मेरा बक नहीं बन रहा है अगर मैं स्वेपिंग करता हूँ तो मेरा बक बन जाता है मतलब सेम आई से मेरा दूसरे बोर्ड में बन जाता है पर सेम आई से मेरा इस बोर्ड में नहीं बनता तो क्या करें तो चलिए इसका सोल्यूशन जानते हैं इस वीडियो में और बहुत बड़ा नॉलेज आपको मैं दे रहा हूं इसलिए एक लाइक like तो बनता है अगर दो हो सकते हैं तो दो भी कर देना ठीक है सो so दोस्तों ये है रेडमी नोट 8 प्रो का बोर्ड अब बात करता हूं छोटे मोटे बोर्ड की तो बात करूंगा ही नहीं ठीक है सो मैं बात करूंगा यहाँ पर अगर मैं कॉल गिनूँ तो एक दो अगर मैं कॉल पर नंबर भी लिखूँ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कितनी कॉलें हैं सारी बक कॉलें नहीं होती है भैया यहाँ पर बहुत सारी कॉलें एल डी हो लोअर एल डी हो हायर एल डी हुए हैं कुछ नेटवर्क की कॉलें मॉडर्म है सो हर कोई बक कॉल नहीं होती है इसका नॉलेज आपको जानना है ना तो फिर क्लास कॉन्टेंट थोड़ा बहुत तो आना पड़ेगा यार क्योंकि इतना आने के लिए ना उसके बाद जो मिलेगा ना लाइफ बदल जाएगी और एक सवाल और जो एक बात है जो तुम मुझसे कहोगे कि सारा मज़ा आ रहा है काम करने में सो नोटिस कीजिएगा यहाँ पर अगर मैं इन कॉलों पर नंबर लिखूं तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस कॉइल अरे दस कॉइल लगी हैं भाई थंबनेल तो लेने दो हाँ <laughs> ए थमेल तो लेने दो भाई हमको ना थंबनेल बनाना आता है हमको ना वीडियो में चमकीली चीज़ें डालनी आती है ना ही हमको वीडियो में कुछ चांस इतारे ना ही हमको वीडियो में लड़की लगाना आता है ना हमको व्यू आता है हम तो सीधे साधे टेक्निकल बनते हैं टेक्निकल चीज़ें लिखते हैं व्यू मिलते हैं तो ठीक है नहीं मिलते है तो भैया अगला वीडियो बनाते हैं हम निराश नहीं होते दोस्तों हम कभी एक वीडियो पर डिपेंड नहीं होते हम किसी की एक बात सुन के हम निराश या हम अपने आप को वीक नहीं करते ना ही हम अपने ऐसा वातावरण ना ही ऐसे तापमान खींचने वाले लोगों को ने बगल में रखते हैं जो हमारे पास खड़े हो गए अरे भैया हमसे तो नहीं हो रहा है तुमसे हो जाएगा का तुम देख लो भैया तुमसे भी ना हो पाएगा ऐसे लोगों को तो पहले ही फुर्सत में लात मार के निकाल लो अपने जीवन में क्योंकि दोस्तों यही लोग हैं जो आपका खून चूस रहे हैं <laughs> क्या तो अभी भी मैं छोटा-छोटा मोटिवेशन भी मिलता रहेगा तो क्या क्या गलत है भाई सही है ना सो so, अगर मैं बात करूँ दस बक कोयल हैं आ, अ, हेलो सॉरी सॉरी टीचर्स जो मुझे देख रहे हैं दस बक कोयल नहीं है दस कोयले हैं भैया बक बक नहीं बोलूंगा नहीं तो बाद में बोलेंगे अपने चैनल पर कि भैया देवतन अग्रवाल तो सबको बक बता रहा है बस आपको बक नहीं है और फिर आप हंसेंगे हा 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 सर so, यार ये चीज़ें नहीं होने दूंगा सो so, आप नोटिस करो दस कोयले लगी हुई हैं और दस कोयलों का आउटपुट नहीं निकल रहा देखिए आप देखेंगे कुछ कोयलों का निकलता है कुछ का नहीं निकलता है आ, तो ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी हैं पर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर आपके पास में पावर है और पावर में आप देख रहे हैं सर मुझे यहाँ पर चार वोल्टेज मिल रहा है इन कैपेसीटर पर, पर फिर भी अंदर मुझे फिर भी मुझे इसका आउटपुट नहीं मिल रहा है सीपीयू भी उतार दिया फिर भी मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है तो इसका क्या रीजन हो सकता है सो so, देखिए दोस्तों इसको रीजन बताने के लिए सबसे पहले मैं इसके स्केमैटिक पे ले जाना चाहता हूं और फिर उसके बाद में इसका मैप पे ले जाना चाहता हूं ताकि आप इसको समझ जाए बेहतर तरीके से uh, सबसे पहले मैं इसका स्केमैटिक ओपन करूंगा ये देखिए तो मैं यहां पर अगर बात करूं ये तो मैं दोस्तों दो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूं फ्रेगमा फिक्स और बोर्नी हो कि आप दोनों को समझ सकें और दोनों का ही आप डिफरेंस भी निकाल सके कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है वही यूज़ करना मैं तो बोलता हूं बजट अच्छा है तो दोनों ही यूज़ करना ठीक है सो so, अगर मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर है ना Redmi Note 8 Pro का आपने पी भी देख रहे होंगे मैं ऑलरेडी खोल के यहाँ पर रखा हूँ और मैं सच बताऊँ ये वीडियो मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूँ बढ़िया आ रही वीडियो सम हाउ डिलीट हो गया था इसलिए मुझे फिर से बनाना पड़ा पर कोई दिक्कत नहीं भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है और हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं बट हमको से बस लोग भी मेहनत वाले मिले ठीक है पूरी फुल ईमानदारी के साथ आप मुझसे आके कहेंगे कि सर मुझे सोने के लिए कितना अच्छा बेड मिलेगा आप मुझसे आके कहेंगे सर मुझे कितने मेरे सर के ऊपर ए रहेंगे आप मुझे बोलेंगे सर मुझे चिकन मटन मिलेगा तो सर ये इंस्टीट्यूट आपके लिए नहीं है ये इंस्टीट्यूट मोबाइल ट्रेनिंग सिखाने का इंस्टीट्यूट है ये आपके गोवा का होटल नहीं है ये आपके दिल्ली के बहुत अच्छे वाले होटल या वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ आपको अच्छी गद्दी मिले बट इतना इतना दावा करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे काम नहीं सीख पाए तो अपनी फीस लेके चले जाना और इससे बड़ा दावा क्या करूंगा इतना खोल के दावा करता हूं सो so, आप नोटिस करो यहाँ पर यहाँ पर एक आपकी आईसी लगी हुई है अब यहाँ पर भी हम कॉल गिनेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस कॉयल यहां लगी है अब मैं इसको इसको टच करूंगा और इसके डायग्राम में आऊंगा सो आप नोटिस कीजिए आपको क्या करना है इसके बक यूनिट पर जाना है बेसिकली हर कोयले बक नहीं होती हैं बक कोयले वो होती हैं जो कोर जैसे हमारे सी के अंदर कोर है उसके अंदर जा रही है वो बक होते हैं वैसे ही हमारे ए कोर अगर हम बात करें व्यू प्रोसेसर ये सारी चीज़ें हमारी बक कॉयल होती हैं उसके अलावा भी कुछ कॉयले होती हैं जैसे हायर एल लोअर एल मतलब उनके लैंड मतलब उनके एल के लिए ही इनपुट सेक्शन के लिए इनपुट होता है तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो फिलहाल आपको ना पावर का ना आपको ये वाला एरिया ढूंढना है देखिए आपको पावर का ये वाला एरिया नहीं ढूंढना दोस्तों क्योंकि ये बक यूनिट नहीं है सो मुझे फिर से इसको क्लिक करना पड़ेगा और देखिए यहां पर अगर मुझे बक यूनिट लानी है तो आप देखिए यहाँ पर आपको आईसी का नंबर लिखा है बस उसके आगे कुछ नंबर्स लिखे हैं सो मैं यहाँ पर इस आई का नंबर लिखूंगा और इसके नंबर्स को यहाँ पर चेक करूंगा जैसे मैं यहाँ पर एक कर देता हूँ फिलहाल और मैं देखूंगा कि एक नंबर पे यहाँ पे क्या है तो आप देखिए मैंने एक किया और देखेंगे कि मुझे यहाँ पे बक मिल रहा है देखिए नहीं मिला आप देखिए मिल गया अच्छा मिल गया भाई एक नंबर पे मुझे बक यूनिट मिल गया अगर नहीं मिलता तो दो करता नहीं मिलता तीन चार ऐसा कर करके दूटता तो अब आप, आप देखिए यहाँ पर अब हम कॉइल गिनेंगे दोस्तों आप भी कॉल गिनी मैं भी गिनता हूँ यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो दस कॉयल यहाँ ला दस मैं यहाँ गिनवा दिया और दस मैंने बोर्ड में गिनवा दिया ठीक है अब मैं बात करूंगा आप हर कोयल को भी ये पता कर सकते हैं यहाँ से कि कौन सा कॉल किसके लिए है जैसे यहाँ पर बात करूंगा पहला कोईल है वी प्रोसेसर के लिए सो तो वी प्रोसेसर आपके सी का के लिए कोर के लिए होता है जैसे हमारे सी में जो कोर वोल्टेज होते हैं जैसे ऑटा कोर हो गया ना कि चार आठ एक का एक साथ काम करना है उसके लिए ये वोल्टेज देना सी को बहुत ज़्यादा जरूरी है एक अच्छे है हाई एम के साथ सो तो आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो कॉयल लगा हुआ है इस कोयल पर आपको पॉइंट एट या पॉइंट वोल्टेज जनरेट होना चाहिए चार्जर लगा सो so बेसिकली आप जैसे चार्जर लगाएंगे तो आपको पावर ऐसे ही आउटपुट देना है क्योंकि सीप्यू वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आपका फोन लो बुटिंग पे चला जाएगा सो so ये आपका लगा हुआ है कॉल ऐसे ही आप इतने सारे कॉल भी ढूंढ सकते हैं खैर इनकी डिटेलिंग में किसी न किसी वीडियो में बना दूंगा फिलहाल अगर जल्द है जल्दी मची हुई है बनाना है भैया सेट तो इंस्टीट्यूट आओ तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर आ, ये कॉलो की सो देखिए देखिये इस स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया गया है थोड़ा स्ट्रक्चर समझिएगा थोड़ा स्ट्रक्चर समझेगा इस स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया गया है कि यहां पर ये जितनी भी चीज है ना ये आउट है तो हर आउट का एक इन होता है सर तो यहां पर ये इन है तो बेसिकली ये इन है और ये क्या है आउट है आप सिर्फ बाहर वोल्टेज चेक कर रहे हैं आप अंदर चेक ही नहीं कर रहे हैं पैडों पर कि वहां पर लाइन कनेक्टेड है कि नहीं है क्योंकि जब तक अंदर लाइन कनेक्ट नहीं होगी यह बाहर वोल्टेज नहीं बनाएगा सो यह चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो यहां पर जूम करके जैसे मान लीजिए दोस्तों हम समझते हैं यहां पर वी कोर जैसे आप देखिए ना वी कोर वन वी कोर टू यह लिखा हुआ है कोर प्रोसेसर तो यहां पर और ये देखिए और एक वी कोर वी एस वाई एस कोर वन टू ये तो चार चार लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब समझते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कि वी कोर प्रोसेसर को जो वोल्टेज है वो कहाँ से दिए जा रहे हैं सो देखिए ए चौदह और बी चौदह का जो लाइन है अगर मैं बात ये ए बारह और बी बारह का जो लाइन है ये लाइन कनेक्टेड है दो सौ एक वी एस वाई की लाइन से मतलब चार वोल्टेज डायरेक्ट इसको दिए जा रहे हैं और खास तौर पे यहाँ पर इसके एस एम पी एस मतलब जो इसका बक यूनिट या एस एम पी एस यूनिट होता है उसके लिए एक इनपुट वोल्टेज दिए जा रहे हैं तो ये रजिस्टर भी लगा होना जरूरी है ये रजिस्टर हटा के जम्बर में देंगे हो सकता है ऑटो मतलब आपका ऑटो एम पी लेने लगे या फोन आपका चालू ना हो या री करे सो तो ये रजिस्टर आपने हटाकर कर वन उम्स की जगह जीरो उम्स का भी आप लगा सकते हैं सो आप देख लीजिएगा तो ये रजिस्टर आपको अगर आप टच करेंगे तो आपको देखिए यहाँ देखने को मिलेगा ये देखिए सी ये आपको पावर है के पास यहाँ देखने को मिलेगा अब हम बात करेंगे कि आपको ये चेक करना है ए ट्वेल्व और बी ट्वेल्व वाले पैड पर आपको चार वोल्टेज मिलने चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ट्वेल्व अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका नोज कट पॉइंट है ये और अगर मैं इसके इधर चले जाऊँ तो ये नोज नोज कट पॉइंट है तो यहाँ से ये ए बी सी डी इस तरह से ए बी सी डी इस तरह से गिनूंगा तो अगर मैं यहां पे नो स्क्रेट पॉइंट है तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो देखिए ये दो पॉइंट आप देखिए ये दो पॉइंट पे भी आपको चार वोल्ट मिलना चाहिए और ये बी पी एच लाइन जुड़ी होनी चाहिए तो ये बारह नंबर की पॉइंट पे तो अगर आप आईसी के अंदर जब जब तक इस इन को नहीं चेक करेंगे और इजी में बता देता हूं मान लो आप किसी भी फोन को ओपन कर रहे हैं आप ये देख रहे हैं कि हर बक्का इनपुट अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सो so, आप बिटमैप ओपन कीजिए और सिर्फ ये बीपीएच वाले किसी भी कैपेसिटर को टच कर दीजिएगा तो जैसे ही आप किसी भी बीपीएच वाले कैपेसिटर को टच करेंगे तो आपके पावर के पावर अंदर जहां जहां ये पैड जुड़े हुए हैं जैसे इधर दो फिर इसके बाद छोड़ के दो तो आपको क्या करना है आपको ये लाइन चेक करनी है कि आपका जो चार वोल्टेज है आप क्या कीजिएगा पावर उठा दीजिएगा उसके बाद में चार्जर लगाइएगा और चार्जर लगाने के बाद ठीक है आप बैटरी भी लगा सकते हैं यहां बैटरी लगाने पर भी वोल्टेज इन हो जाएगा आउट नहीं निकलेगा बक आप आपका बनेगा चार्जर से पर बैटरी से नहीं बनेगा ठीक है सो आप देखिएगा ये दो फिर उसके बाद ये दो ये दोनों के दोनों पहले तो आप देखिए कनेक्टिविटी के बीप देना चाहिए दूसरा ये इस पर आपको चार्जर लगाने पर 3.1 पॉइंट वोल्टेज से 4.2 पॉइंट वोल्टेज आ जाना चाहिए अगर मान लीजिए इसके एक पैड पर भी नहीं आ रहा है तो आपको इसका वो पैड भी जोड़ना है अपने दूसरे पैड के साथ क्योंकि यही रीजन है ये इनपुट नहीं ले रहा है और अब सिर्फ खाली प्लस से नहीं देखना है दोस्तों आपको माइनस भी देखना है अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो आप नोटिस कीजिएगा आप यहां पर सिर्फ प्लस नहीं देखिए क्योंकि आप दूसरा है ग्राउंड प्रोसेसर तो ये क्योंकि अगर यहां पर वोल्टेज दी बने न, तो नहीं बने ना तो ये कोड की लाइन नहीं बनेगी मतलब ये 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 वाला जो है, ये जो है है वोल्टेज बनना बंद हो जाएंगे कौन से कॉल पर ये वाले कॉयल पर. पर वोल्टेज बनना बंद हो जाएंगे अगर यहां पर इसको इन नहीं मिला तो और इसके इन के लिए इन्होंने एक ग्राउंड सेंस की लाइन दी है सो बेसिकली यहां पर इस कैपेसिटर के इस सिरे पर ग्राउंड आना बहुत जरूरी है तो आप सिर्फ ये चेक कर लेना कि इस पर ग्राउंड है कि नहीं है मान लो जैसे ये कैपेसिटर यहां लगा हुआ है और अगर मैं बिडमैप के थ्रू बताऊँ ये आपका कैपेसिटर यहां लगा हुआ है ये देखिए तो अगर इस कैपेसिटर के ये वाला सिरे पे अगर ग्राउंड नहीं है तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपने ये चेक करना है कि अगर आपने ये चेक करना है कि इस कैपेसिटर के ये जो कैपेसिटर है इसके एक और आपको 3.1 और दूसरी ओर आपको ग्राउंड आना चाहिए तो ये कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर ने लाइन ओके okay है ठीक है और अगर यही चीज मैं आपको इसमें दिखाऊं तो देखिए ये कैपेसिटर है और आपको ये चेक करना है नोटिस कीजिएगा दोस्तों क्योंकि बहुत डिटेल में बता रहा हूं आपको ये चेक करना है ये वाली लाइन पे आपको ग्राउंड आना चाहिए और ये वाली लाइन पे आपको 3.1 से इतना वोल्टेज बनना चाहिए जो इसके अंदर तक बीप दे पैड के अंदर तक तो आपको ये लाइन चेक करनी है ठीक है तो ऐसे ही आपको सारी डिटेलिंग आपको चेक करनी है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ये जो सारे कोयल्स है ये सारे कॉय्स आउटपुट तभी देंगे जैसे वी एस वन आपके हायर एल डी ओ वी एस टू लोअर एल डी ओ जैसे सिक्सए में बात करें तो वी एस टू एक एस्ट्रा बक्स से बनता है जिसका आउटपुट मैंने दिया है वीडियो देख लो ये वाला इसमें मैंने बताया है कि इसको बाईपास कैसे करना है ठीक है तो वी एस टू मॉडर्म की लाइन है जी पी यू की लाइन है सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जी पी यू बन रहे हैं और यहाँ पर दोनों जी पी यू को जोड़ा गया है ठीक है दो जीपीयू दो कॉल बने हैं तो बेसिकली जीपीयू एक ही है दो कॉयले लगाया गया है यहाँ पर सो आप देखिए हर एक के लिए इन दिया है एक का ग्राउंड सेंस दिया है तो ये ग्राउंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है सो मैं फिर से समझा देता हूँ अगर आपका बक नहीं बन रहा है तो आप क्या कीजिएगा आप हर चीज करके देख लिए हैं तो ये कीजिएगा आप अपनी पहले डायग्राम खोल के डायग्राम नहीं है तो भी आसान है वो मैं क्लास में बता दूंगा आप डायग्राम खोल के आप सबसे पहले किसी भी इनपुट कैपेसिटर को ढूंढ लीजिए इनपुट कैपेसिटर को ढूंढ लीजिए देखिए ये और और अपने में जाकर उस कैपेसिटर टच कीजिए उसके बाद लाइन अंदर बीप दे रहे हैं वो बीप चेक कर लीजिए वो वोल्टेज चेक कर लीजिए क्योंकि दोस्तों अगर एक लाइन पे बीप नहीं आ रहा है तो आपका आउटपुट नहीं बनेगा सो ये था मेरा आज का वीडियो और ये था आज का लेसन आई होप कि आपको समझ में आया हो आई होप आपको अच्छा लगा हो आई होप आज मैंने आपके अंदर जोश बढ़ा हो और इस जोश के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो और मेरे थ्रू आपके कुछ मोबाइल भी बने हो तो थैंक यू वेरी मच कि मेरे को समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को लाइक करने के लिए एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू आपका दिन सुबह हो आपके घर वाले आपके घर आप और आपके घर वाले ज़िंदगी में तरक्की करें थैंक यू अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो आपका संतोष अभी आप क्या करने वाले हैं उसका रहा हूँ। कौन सा तो फोन है ये एम आई वाई वाई वन वाई वन है ये जी तो अभी आप इसका सीपी निकालने वाले हैं